सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deobhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great co- जीएसटी एक ऐसा विषय है कि जब हम अपने भारत देश में रहते हैं तो हमें जो है सभी को गवर्नमेंट चलाने के लिए टैक्स देना चाहिए, और अभी तक तो हमारे देश में जो है 70% लोग तो टैक्स देते नहीं है, जिनको टैक्स के बारे में पता नहीं है, या जो टैक्स के नाम से घबराते हैं, या जिनका टैक्स देने का मन नहीं होता, ऐसे 70% लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको टैक्स के बारे में नहीं पता है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो टैक्स देते हैं लेकिन टैक्स चोरी भी करते हैं वो। तो गवर्नमेंट ने जो GST निकाला है, एक ऐसा प्लान निकाला है जिसमें कोई टैक्स चोरी कर नहीं पाएगा, जहाँ से माल बन के आएगा वहीं से टैक्स लगेगा। कोई भी सामान, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो टैक्स वहीं से लगेगा, और वो टैक्स आगे जो है बड़ा व्यापारी लेगा, फिर वो छोटा व्यापारी लेगा, लास्ट में सबको टैक्स वापस मिलता रहेगा। लास्ट में जो यूजर है, जो टैक्स देगा वो ही गवर्नमेंट के पास जाएगा, और हमारी गवर्नमेंट को अगर टैक्स ज़्यादा मिलता है तो हम लोग सब मजबूत होते हैं, हमारी गवर्नमेंट मजबूत होती है, हमारे और कुछ साधन जो है जन सुविधाएँ हमारी और ज़्यादा बढ़ती हैं, और हमारी भुखमरी मरती है, और हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। चार चीज़ें हमें फालतू मिलती हैं यूज करने के लिए, जैसे नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, और नई टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों में अपनी प्रभुत्ता को मजबूत करने के लिए। ये हमारे को, हमारी सरकार को पैसे की बहुत जरूरत है, और हम अपने देश को, अपनी सरकार को सही ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें सबको टैक्स देना चाहिए, और सबको टैक्स देने के लिए ही ये GST लागू की गई है, तो मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ। टैक्सी चोरी कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है जो चोरी करते हैं? मैं बड़ा व्यापार तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा व्यापार बनाते हैं, दुकानदार बनाते हैं, आपसे तो बड़ा व्यापारी नहीं, आपसे बड़ा व्यापारी कहाँ पाएगा? नहीं, हम तो सोशल वर्कर हैं, व्यापारी नहीं, हम तो
मजदूरी का बिल जमा कर दिया, पानी का बिल, छोटा मोटा खर्चा निकाले, दुनिया को मकान दिलाते हैं, दुनिया को दुकान दिलाते हैं, दुनिया को फैक्ट्री दिलाते हैं, आप कहते हैं कि मैं छोटा व्यापारी हूँ। अब जो जो बड़े बड़े व्यापार हैं उनको तुम सहते हो, जब से GST लागू हुआ है या जब से नोटबंदी हुआ है तब से जो है प्रॉपर्टी का व्यापार तो बिल्कुल मंदा है। नंबर दो का पैसा गायब हो गया है और नंबर एक का जो पैसा निकाल रहा है, जो यूजर है वही पैसा निकाल रहा है। जो फाइनेंशियल टाइप का जो आदमी है, जो व्यापारी है, वो पैसा तो गुमसुम होकर बैठा हुआ है, कहाँ लगाए कैसे लगाए, क्योंकि हर पैसे पे, हर व्यक्ति पे हमारी सरकार की नज़र है। जो आधार कार्ड के रूप में, पैन कार्ड के रूप में जो सब सिटीजन से जो गवर्नमेंट ले रही है, वो इसलिए ले रही है हम क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, कितना धार्मिक काम में खर्च करते हैं, कितना अपने स्टाफ में खर्च करते हैं, सब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट हमारी स्थिति को हम और मजबूत कर सके। मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट ऐसी बने जैसी बाहर विदेशों में बनती है, बच्चों को गवर्नमेंट पढ़ाए और बुजुर्गों को गवर्नमेंट खर्चा दे और जो भी युवा वर्ग है उनको काम धंधा भी गवर्नमेंट ही दे, उसमें एक समानता आएगी और लड़ाई झगड़े कम होंगे और सबको जो खुशहाली उस शांति मिलेगी। तो आपने कहा नंबर दो का पैसा, तो नंबर दो होता क्या है? नंबर दो पैसा कौन सा पैसा है? नंबर दो आता है नंबर दो पैसा, वो नंबर दो का कौन देता है? नंबर दो का पैसा वो होता है जो बिना बिल पर्चे के, बिना किसी सरकार को बताए जो पैसा कमाया जाता है। क्यों बेचते हो? इसका कोई लिखित पढ़त नहीं होती, कहीं किसकी एंट्री होती, कहीं गवर्नमेंट को उस पैसे का टैक्स नहीं जाता, वही पैसा नंबर दो होता है। क्या शक्ति होनी चाहिए नंबर दो के पैसे को? शक्ति होनी चाहिए लेकिन पोलाइटली होनी चाहिए, क्योंकि सब अपने हैं, भारत अपना है, भारत देश अपना है, सरकार अपनी है और जो भारतीय यहाँ रहते हैं, सिटीजन रहते हैं, वो भी सब अपने हैं। कोई विदेशी तो है नहीं, चाइना पाकिस्तान तो है नहीं जो डंडे मार के पैसा ले, सबको समझा के प्यार से बता के तभी पैसा लेना सही है, और उसी हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है। छोटी मोटी गलतियां तो देखो सभी गवर्नमेंट से होती हैं, जल्दबाजी में व्यवस्था थोड़ी कम हो गई, नोटबंदी में जो है लोगों को बड़ी परेशानी हुई, व्यवस्था गवर्नमेंट थोड़ी हल्की रही, उसमें बैंकों का भी सहयोग नहीं रहा, बैंकों ने पिछले दरवाजे से नंबर दो का पैसा बहुत नंबर एक में किया, तो ये छोटी मोटी बातें इनको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर अच्छा बनना है, ऊंचा बनना है, तो थोड़ा कष्ट तो सबको उठाना पड़ेगा। तो सर आज कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया कि GST लागू नहीं होनी चाहिए, क्या उनका धरना प्रदर्शन राजनीति है या वास्तव में जनता के हित में? देखो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अजय माकन हुए या और मायावती का ग्रुप हुआ या मुलायम सिंह का हुआ, ये सब जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कमा रहा है क्या खा रहा है, इनको तो अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी होती हैं। आज BJP जो है जिस चीज को अच्छा बता रही है, जब ये विपक्ष में थी उसको खराब बताती थी, ऐसी कांग्रेस जो है पहले खुद GST कांग्रेस लेना लाना चाहती थी, कांग्रेस को GST क्यों नहीं ले गई, उसके अंदर हौसला नहीं था। आदमी को हौसला भी तो करना पड़ता है, एक हमारे मोदी जी है जिनके अंदर ये हौसला हमने देखा है, और हमने क्या कभी जनता ने देखा है ऐसा हौसला? अगर हर आदमी के अंदर हो, हमारी हर सरकार के अंदर हो, तो फिर तो कहने क्या। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है।
यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य और अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। फिर तो बाहर विदेश की ताकतों के मुंह रख दी, किसी को बरगला नहीं सकती। आज हमने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस के राजीव गांधी, राहुल गांधी जी चाइना के उनसे मिल के आए, अधिकारियों के अम्बेडकर से मिल गए हैं। अब ये तो हम नहीं जानते क्यों मिल गए, लेकिन पॉलिटिकली लोगों ने बता दिया जिनकी मिली भगत है। तो ये तो सब पॉलिटिकल बातें हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर आपने बात की मोदी जी की, मोदी ने स्टेप उठाया कि नोटबंदी, तो दूसरा उठाया GST। क्या मोदी जी के मन में क्या बात है, जो काम करते हैं वो धूम धमाके से करते हैं, जो समझता हूँ, क्योंकि व्यक्ति अगर अकेला होता है तो उससे बड़ा ताकतवर मजबूत कोई नहीं। अगर उसके साथ परिवार है, उसके रिश्तेदार है, तो थोड़ा कमजोर होता है। उसके साथ व्यापार है, पैसा कमाने में लगा हुआ है, तो और थोड़ा कमजोर हो जाता है वो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी जी के पास ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो उनके कोई मिल कारखाने हैं, ना कोई उनका परिवार है। मेरे ख्याल कोई औलाद भी उनकी नहीं है, शादी भी उनकी हुई थी, वो अलग अलग रहते हैं, वो बचपन में हुई थी। तो मोदी जी जैसे ही एक आदमी होता है, जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने जो अपने दिल को मजबूत करके 56 इंच का थोड़ा सीना करके जो उन्होंने ये ऐलान किया या इसको माना अपनी सरकार के होते हुए कि हमें ये कानून बनाना है, नोटबंदी करनी है, है नहीं है। ये तो कांग्रेस के टाइम प्लानिंग बनी, नोटबंदी करो, लेकिन पॉलिटिकली सबको वोटें चाहिए, सबको सीटें चाहिए, कौन हिम्मत करेगा? आप जानते हैं कि दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप जानते हैं 78 के अंदर से नोटबंदी हुई थी, उसमें 5,000 का नोट था, वो नोट बंद हुआ था। उसके बाद 78 से 2017 तक कभी नोट चैन नहीं में बंद हुए। क्या करे 39 साल बीतने बाद नोटबंदी? वजह तो यही है, किसी का हौसला बन नहीं पाया नोटबंदी करने में, नोट बंद करने में, नोट बदलने में सरकारें चली जाती है। हर सरकार को जो है अपना घर चाहिए, अपना सुखाराम चाहिए, रोटी सेकने के लिए मसाला चाहिए। जब सरकार ही नहीं होगी तो क्या करेगा वो विपक्ष को देखे, उसकी क्या पावर है विपक्ष की? विपक्ष कांग्रेस कहती है कि नोटबंदी में
हत्या इनकी जो मोदी जी ने गवाई, जो बैंक में गए बुजुर्ग आदमी उनकी डेथ हो गई, वो मोदी जी के वजह से हुई। क्या मोदी जी ने इनकी हत्या की थी? नहीं, ये भी एक लीगल स्टैंड है। सुना मोदी जी जाएंगे क्यों मरवाएंगे? मोदी जी को क्या लाभ है? मोदी जी को जाति दुश्मनी तो है नहीं। एक व्यवस्था खराब होने से या फिर पॉलिटिकली लोगों ने इसका एक वो बनाया, हवा बनाया, हवा बनाया, तो इसका तो देखो मोदी जी को दोष नहीं दे सकते। एक व्यवस्था थोड़ी कमजोर रही है नोटबंदी में। मैं भी 5 घंटे लाइन में लग के और 2000 में बदल के लिया था, 5 घंटे लाइन में लग के बिना खाए पिए चक्कर आ गए। नहीं, शोर मचाया था मैंने, लेकिन मेरा शोर मोदी तक नहीं पहुंचा और बैग में फैल के रह गया मेरा शोर। क्या करता मैं तो जनरल एक सिटीजन हूँ भारत का। अगला सर, ये देखने में आया है कि प्रधानमंत्री बहुत हुए, इंदिरा जी हुई, नेहरू जी हुए, राजीव हुए, पर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो ऐसे देश है जहाँ मोदी जी गए वहां कोई गया ही नहीं। क्या वजह है? वजह तो आपको मैंने बता दी, जो निडर आदमी वही कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ने छोड़ने आया, जबकि आप जानते हैं हमारे छोड़ने को राष्ट्रपति नहीं आता है। एक सबसे बड़ा उनका राष्ट्रपति डोनाल्ड जो आया रिसीव किया वो छोड़ने आया, कहाँ से इतनी इज्जत मान सम्मान? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है वो विदेशों में क्यों गए? वो विदेशों में इसलिए गए के अपने देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए, पॉलिटिकल करने के लिए, और लोगों को अपनी जो है पोजीशन बताने जम में। और हमारी हमें किसी का भाई चाहिए, हमें किसी की एक इंच जमीन ही चाहिए, के साथ ये हो रहा है, कान ये कर रहा है, ये चाहता है, ये दिखा के अपने दूसरे देशों को अपने फेवर में करने के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए वो विदेशों में गए और ऐसी जगह भी चले गए जहाँ 35 साल से 40 साल से आदमी नहीं गया, 70 साल जो कोई देश बन गया। इसराइल अभी हो गया है, वो इसराइल देश बहुत मजबूत देश है और छोटा सा देश है, लेकिन टेक्निकली वो बहुत देशों से आगे है। तो मैं तो जो है ऐसे शख्स को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को सत्सर नमन करता हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी उम्र अच्छी लगाए और कोई उनसे कोई दुश्मनी ना करे और वो अधिक समय तक हमारे बीच रहे और हमारे देश की सेवा ऐसी करते रहे। टाइम टैक्स, अभी कोई दूसरा टैक्स लगा, पेट्रोल पे लगा दिया, किसी और चीज़ पे लगा दिया, तो ये तो फिर पब्लिक का विश्वास खराब होता ना। हमारी सरकार को चाहिए जो बात करे खुल के करे और एक बार करे, बार बार ना अपनी स्टेटमेंट बदले। आज कुछ कह दिया, कल को फिर कुछ कह दिया, जेटली जी कुछ और बोलते हैं, कल को फिर कुछ और बोल देते हैं, कभी 2000 का नोट बंद होगा, कभी अभी बंद नहीं होगा जी, या हम बंद नहीं करेंगे जी। 200 का नोट स्टार्ट हुआ है, क्या उससे कोई फायदा हुआ? हाँ, थोड़ा फायदा हुआ, जो 100 के नोट में ज़्यादा जगह घेरेगा, 200 नोट में कम जगह घेरेगा, लेकिन हमारी सरकार को 1000 का नोट भी चालू करना चाहिए, 2000 का बंद करना चाहिए, 5000 का 10000 का नोट करे और 1000 का नोट भी चालू करना चाहिए। आप खुश हैं मोदी जी के उससे? मेरे ख्याल तो सबको खुश रहना चाहिए। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211038 2211037 9817184898 7015052। हमारा फैक्स नंबर है 2211038। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.dilliapm.com। हमारा आज का बुलेटिन यह समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 100 थाने बटे श्याम नगर, स्वागत दिल्ली 32।